डिजिटल सिग्नेचर्स आज के जमाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किसी भी डिजिटल सिग्नेचर को पाने के लिए याद रखें एक ही नाम, विधि डिजिसाइन सॉल्यूशंस। डिजिटल सिग्नेचर्स फॉर जीएसटी, इनकम टैक्स, किसी भी म्युनिसिपैलिटी के टेंडर्स जैसे कि यूएमसी बदलापुर म्युनिसिपैलिटी, रेलवे टेंडर्स, ONGC के टेंडर्स के लिए डिजिटल सिग्नेचर्स जरूरी होता है। विधि डिजिसाइन सॉल्यूशंस, बेस्ट सर्विस एंड वेरी अफोर्डेबल रेट्स। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। Rishto.com online Sindhi matrimony. More than 26,000 trusted families. Counseling with utmost honesty. Free registration. Nominal membership fees. No commission after marriage. Free Rishto meet with refreshments. Rishto.com online Sindhi matrimony. नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर शहर में दिनों दिन गुनहगारी बढ़ती जा रही है, जहां आए दिन मोबाइल स्नैचिंग, चेन स्नैचिंग, चोरी, लूटमार, मारामारी जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि बदमाशों को पुलिस और कानून का कोई डर नहीं रहा। अब ताजे मामले में कैंप 3 के कामगार हॉस्पिटल के पास पंजाब मार्ट नामक एक रेडीमेड कपड़े की दुकान से चोरों ने 11 सितंबर सुबह को 5:30 बजे के दरमियान दुकान का शटर तोड़कर दुकान में से तकरीबन 1,00,000 रुपए के रेडीमेड कपड़े चोरी कर वहां से फरार हो गए। इस चोरी की शिकायत दुकान मालिक हरमीत सिंह कलवान की तरफ से सेंट्रल पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है, जिसकी आगे की जाँच पुलिस कर रही है। सर, मेरा नाम परमजीत सिंह है और मैं कीर्तनी हूँ, गुरसंगत दरबार में कीर्तन करता हूँ पिछले 20 साल से। मेरे लड़के ने अपना रोज़गार चालू करने के लिए पहल की थी, भाई हम कपड़े की दुकान खोलें, शॉप खोलें, और इन्होंने लोन लिया था बैंक से लोन ले करके इन्होंने यहाँ हमारी किराए की दुकान ली, पंजाब मार्ट नाम रखा उसका। पिछले 10 महीने से हम चला रहे हैं और 10 महीने से चलाते हुए बड़ी इसने मेहनत की है। काफ़ी मेहनत करने के बाद ये थोड़ा अच्छे पोजिशन पर आया था, हमारा ये नौजवान हरमीत सिंह कलवान नाम है इनका। और जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तो इसको भी खुशी होती कि भाई मेरी जो मेहनत है वो रंग ला रही है। इसने बहुत सस्ते दर पर लोगों को माल बेचा है, अपना फ़ायदा नहीं जानते हुए हमारे सिख भाइयों का, हमारे सिंधी भाइयों का, महाराष्ट्र भाइयों का भी भला किया है, क्योंकि हम दरबार से जुड़े हुए हैं। लेकिन ऐसे में परसों 11 तारीख को रात को एक घटना घटी, जिसमें सुबह 4:30 बजे कुछ लड़के, 3-4 लड़के थे, तब पक्का पता नहीं है, वो रिक्शे में थे, तो उन्होंने आकर के यहाँ हमारा जो शटर है वो एंगल से ऊपर उठा करके उसके अंदर घुस के आए और जितना भी माल था हमारे दुकान पर, जीन्स, टी शर्ट, शर्ट्स वगैरह, बनियान थी और बहुत सारी चीज़ें थी, वो उठा करके धीरे धीरे उन्होंने अपने रिक्शे में डालना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे वो रिक्शे में डाल रहे थे और काफ़ी सामान उन्होंने डाल दिया था, तकरीबन 1,00,000 का जो माल था उन्होंने रिक्शे में डाल दिया था, और यहाँ से एक हमारा सिख भाई गुजर रहा था, वो माल लेकर के कहीं नासिक जा रहा था, वो गाड़ी उसकी भरी हुई थी लकड़ी से। उसने देखा भाई सुबह का समय, भाई साहब की दुकान के बाहर रिक्शा खड़ा है और शटर थोड़ा ऊपर हुआ है, उसको थोड़ा संदेह हुआ तो आगे चला गया था। फिर उसने अपने ड्राइवर को बोला गाड़ी थोड़ा पीछे लो, देखो क्या हो रहा है इधर। तो जैसे उसने पीछे लेना शुरू किया तो कुछ लड़के जो थे इधर दुकान से निकल करके रिक्शे में तुरंत भाग गए, उनका कुछ पता नहीं चला, और ये भी सोचता रह गया कि क्या करना चाहिए। फिर उसने नंबर देखा ऊपर हमारी दुकान पे, लड़के का नंबर है, उस पर लगाया तो इसका साइलेंट फ़ोन था हरमीत सिंह का, तो मेरे बाजू वाले पड़ोसी दुकानदार गुरदीप सिंह को उन्होंने फ़ोन किया और ऐसी ऐसी जानकारी दी कि ये दुकान पर ऐसा, पंजाब मार्ट पर ऐसी चोरी हुआ है। तो गुरदीप सिंह ने मुझे डायरेक्ट फ़ोन किया तो मैंने उठाया और हम लोग सब भाग करके कुर्ला कैंप से यहाँ पर आ गए, और यहाँ आकर के देखा तो शटर ऊपर हुआ था और काफ़ी सामान हमारा चोरी हुआ था। तो तुरंत हमने सेंट्रल पुलिस चौकी के अंदर जा कर के मामला दर्ज करवाया और पुलिस चौकी के जो हमारे पुलिस वाले हैं उन्होंने आकर के यहाँ पर छानबीन की, कुछ एक बार सलिया भी रखा हुआ था, वो छोड़ के भाग गए थे जिससे उन्होंने शटर को ऊपर उठाया था। तो मैं आपसे बेनती करना चाहता हूँ कि लड़के ने लोन लेकर के ये कारोबार शुरू किया, हमारे नौजवान जो हैं वो बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और हम ये जो चोरियाँ हो रही उनकी वजह से उनका मन बहुत दुखी होता है, आहत होता है। उल्लासनगर में आज दूसरी फिर घटना घटी है, यहाँ सामने मेडिकल वाले की दुकान पर भी एक चोरी हुई है आज ही,
कल हमारी दुकान पर हुई 11 तारीख को 4:30 बजे, आज मेडिकल की दुकान में वही 4:30-5 बजे का टाइम सेम पोजीशन में वही चोरी हुई है। उन्होंने मामला 1 नंबर पुलिस चौकी में दाखिल किया है। तो मैं कंप्लेंट की थी, यस हमने FIR करवाई है, FIR कॉपी हमारे पास है। कल ही साहब ने हमको आश्वासन दिया कि हम आपका जो भी गया है सामान हम जरूर आपको वापस दिलाएंगे जी। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।